खबर आपको बताएं, पूर्व डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने दी शिकायत। पूर्व डीजीपी यादव ने चित्रकूट थाने में दी शिकायत। एक पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने का लगाया आरोप। पत्र से छवि धूमिल करने के प्रयास की दी शिकायत। पूर्व डीजीपी यादव ने पत्र से छवि धूमिल करने के प्रयास की दी शिकायत। चित्रकूट थाने में यह शिकायत दी गई है। पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने का लगाया आरोप। पत्र से छवि धूमिल करने के प्रयास की दी शिकायत। पूर्व डीजीपी यादव ने चित्रकूट थाने में दी है शिकायत। एक पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने का लगाया आरोप। और हमारे सहयोगी सत्यनारायण ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। सत्यनारायण, पूर्व डीजीपी ने बड़ा आरोप लगाया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे मामले में? उसको देखिए, थोड़े दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ था जिसके अंदर अलग बातें लिखी हुई थी। पूर्व डीजीपी और जो वर्तमान आरपीएस हैं भूपेंद्र यादव, उनके खिलाफ ये पत्र जारी किया गया था जिसके अंदर नाम भी, एक युवक का नाम भी लिखा गया था। उसी पत्र को लेकर आज भूपेंद्र यादव ने खुद ने अपने जो गृह होम जो थाना लगता है चित्रकूट थाना, उस थाने में शिकायत दी है और व्यक्ति पर आरोप लगाया है। अज्ञात व्यक्ति का नाम लिखा है कि अज्ञात व्यक्ति ने मेरी छवि धूमिल करने के लिए इस प्रकार की अलग बातें लिखकर एक पत्र जारी किया है जो की तथ्यहीन और गलत है। ऐसे में चित्रकूट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामला दर्ज करने के बाद में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। साथ साथ साइबर एक्सपर्ट की सहायता ली जा रही है जिससे कि पत्र किसने लिखा है वहां तक पुलिस पहुंच सके और अग्रिम कार्रवाई की जा सके। खुशबू जी, लगातार नजर रहेगी। सत्यनारायण, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।